बीजेपी प्रवक्ता मोहिंदर धर्माणी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का वक्तव्य उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को प्रदर्शित करता है और हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अन्याय है, धोखा है, जो युवा और युवतियां कोविड के दौरान अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों की सेवा कर रहे थे, जिन्हें आए दिन सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा था, आज उन्हें नौकरी से बर्खास्त किए जाने पर सीएम कह रहे हैं कि वह ठेकेदार के पास काम करने वाले लोग हैं। यह सरकार क्या कर रही है, जनता जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि 8 महीने पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, उस दिन से लेकर छोटे छोटे कर्मचारियों का काम करना मुश्किल हो गया है, चाहे हम बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति विभाग या अन्य विभागों की बात करें, लगातार कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। होते हैं वो आउटसोर्स के माध्यम, किसी ठेकेदार के माध्यम से लगे होते हैं, इसलिए इस प्रकार के कोई विवाद बड़ी बात नहीं होती है। कोई किसी के पास काम करता तो निकाल दिया, अब इसमें उनके ग्रेवेंसीज सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों पर दिए गए बयान की निंदा करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया यह बयान उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को प्रदर्शित करता है। पार्टी का मानना है कि जिस प्रकार का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो आउटसोर्स कर्मचारियों की भावनाओं का अपमान है। हम सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के माध्यम से किसी न किसी एजेंसी के साथ मिलकर के अपनी सेवाएं हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इन कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है। हम सब जानते हैं कोरोना काल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने किस प्रकार से अपने जीवन को, जान को दांव पर लगा करके प्रदेश की सेवा की है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो आज का बयान है ये उनकी भावनाओं के अनुरूप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उससे ये लगता है कि सेक्रेटरी हेल्थ ने जिस प्रकार से उनको घर पर अपने काम पर रखा था, जो कर्मचारियों ने आरोप लगाया है, तो क्या उनकी सरकार इस काम का समर्थन करती है? इसलिए ये बयान कुल मिलाकर के बहुत ही निंदनीय है।